अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सर्विस। तो इससे पहले हमने पढ़ी थी हेडर जो आप लोगों ने देख ली, अभी आते हैं सर्विस की तरफ। देखते हैं कि हमें जो हमारे पास सर्विस में है क्या। सर्विस में आप लोग देख रहे हो कि कुछ टैक्स है, सही है, और इसमें कार्ड्स है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक कार्ड ये हर जगह पर यूज़ होती है, तो इसीलिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि ये सर्विस का वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, क्योंकि मैं वन बाय वन इसका स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर इस आप लोग देख सकते हो कि सर्विस हमारे पास हेडर है, पिच कुछ टैक्स है, फिर इसके अंदर कार्ड है। तो सब लाइन में पहले इस तरह करता हूँ कि इसके लिए एक अलग सा सेक्शन लेता हूँ, और इस सेक्शन के अंदर मैं इसका एक आईडी लेता हूँ, तो उसका नाम हो सर्विस, तो इसको बाद में हमें यूज़ करूँगा। और इस होल क्लास में लगना चाहता हूँ कंटेनर, जो आपने बूटस्ट्रैप में पढ़ी होगी। तो फिर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पहले है सर्विस, तो इसके लिए मैंने एक टैग यूज़ की, पी जो है इसके लिए मैं यूज़ की, और इसका एक क्लास का नाम ले ली मेन पी के नाम से, जो बाद में मैं CSS में यूज़ करूँगा। और यहाँ पर इस डमी टेस्ट के लिए मैं एक H1 का टैग लेता हूँ, और इसका भी एक क्लास होगा, तो इस क्लास का नाम है यानी सर्विस H1। और अपने टाइम बचाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कॉपी और वहाँ पर पेस्ट करूँ, ताकि टाइम बच सके। अब इसकी व्यू देखते हैं कि किस तरह ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि नीचे ये कॉर्नर में ये दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा बाद में ऊपर कर दूँगा, लेकिन मैं उसके जो है स्ट्रक्चर पर पहले काम करता हूँ, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो सके। तो एक डिव ले ली, और इस डिव के अंदर मेरे पास 3 कार्ड्स होंगे। तो पहले देखते हैं कि कार्ड्स में हमारे पास है क्या। कार्ड्स में आइकन है, सही है, और फिर इसका जो है एक हेडर है, और जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिवेलपर और डिजिटल मार्केटिंग, सही। तो इस आइकन के लिए मैं पहले इस तरह करता हूँ कि इसके लिए, इस कार्ड के लिए मैं अलग सा डिव लूँगा, उसका क्लास का नाम मैंने कार्ड रेडी। और फिर आता हूँ इस आइकन पर, पहले बात करें तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाएँ और आइकन पर क्लिक कर दें, सही। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है बहुत सारे आइकन जो है नज़र आ रही है। तो पहले जो आइकन आपने वेबसाइट में यूज़ की है, तो इस आइकन का नाम जो है आपने यहाँ पर जो है सर्च में देना है। तो सर्च में देने के बाद ये वो आइकन आपको शो कर देगी, जिस तरह मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इस आइकन का कोड है, तो इस कोड को कॉपी कर दें और इसको सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दें, तो ये आपका आइकन इंक्लूड हो जाएगी। इसमें बहुत जो है लॉजिक वाली बात नहीं है। ये देखो, ओ सॉरी, ये तो शो नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसकी लाइब्रेरी ऐड नहीं की। तो वापस जाते हैं उस पर, और यहाँ पर जो है आपको स्टार्ट पर फॉर फ्री पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपने जीमेल डालना है। तो जीमेल के अंदर आपको एक इस तरह लाइब्रेरी जो है वो सेंड कर देगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, सही है। अभी इसको देखे कि वो शो हो रही है, सही है, और फिर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें इसकी साइज़ को, तो मैंने इसकी साइज़ भी बढ़ा दी, और अभी ये देखिए ये शो हो रही है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो है इसमें इसके अंदर हेड भी है, तो इसके लिए H3 का टैग ले ली, और यहाँ पर लिख ली ग्राफिक डिज़ाइनर, सही है, और उसका एक क्लास भी होगी, क्योंकि बाद में यूज़ करेंगे। फिर इस टेस्ट को जो है इसके लिए उसी तरह कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और एक पी टेक ओपन की, और इस टेस्ट को यहाँ पर लिख ले। अभी उसकी जो है इसके बाद में मैं उसके जो है लेआउट को सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सारा जो है एक कार्ड शो हो रही है, लेकिन इसी तरह नहीं है। तो मैं इस तरह कर दूँ कि एक डिव को 3 टाइम जो है पेस्ट करता हूँ, सही है। तो हमारे पास 3 कार्ड जो है इस सर्विस में इंक्लूड हो जाएगी। तो जाइए पहले इसको यहाँ पर जो है इसकी लेआउट को देखिए,
तो ये देखो सारे के सारे मैंने चेंज कर दी इसके आइकन वगैरह उसी तरह अपने टाइम बचाने के लिए। और अभी क्या करता हूँ, अभी CSS में जाते हैं तो सारा काम यहाँ से हम के हैंडल कर देंगे, ताकि उसकी खूबसूरती को यहाँ पर हम जो है उसको बनाते हैं। पहले तो मैं एक इस तरह करता हूँ, इस कंटेनर को जो है एज ए होल जो है इसको मार्जिन वगैरह इसकी सेट करता हूँ, ताकि इस कंटेनर जो है बाद में मुझे इसकी टेंशन ना हो। और इस सर्विस की साइज़ भी रख दी, ये देखिए इस कंटेनर पर जो है वो अप्लाई हुई। इसके बाद आते हैं इस आइकन पर और इस मेन डिफ पर, तो इसके अंदर हमारे पास 3 डिफ है, तो मेन सर्विस को मैंने कॉपी की। और यहाँ पर अब मैं लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, ताकि ये एक दूसरे के बाद आ जाए। और फ्लेक्स जो है करता हूँ 1, ताकि ये सारे एक रो में मुझे नज़र आ सके। तो इसी तरह बूम, ये देखिए सारे जो है मुझे एक रो में नज़र आ रही है। अभी जाते हैं जो है इसके कार्ट के अंदर, हमारे पास पहला नंबर है सर्विस, सर्विसेज पर जाते हैं। तो सर्विसेज के लिए मैंने यहाँ पर एक क्लास यूज़ की है ऑब्वियसली। तो इसको अलाइन जो है इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, और फ्रंट फैमिली ऑब्वियसली इंक्लूड करते हैं, ताकि इसकी जो है लुक अच्छी नज़र आ जाए। तो यहाँ पर इसकी जो है फ्रंट फैमिली भी इंक्लूड की, थोड़ा सा इसका जो है साइज़ भी बढ़ाते हैं, ताकि बड़ा शो हो सके। और मार्जिन बॉटम से ऊपर करते हैं, ताकि ये अच्छी तरह नज़र आ जाए। ये देखिए टेक्स टेक्स जो सही हुई, लेकिन हमें जो है इसी तरह टेक्स लेना है। तो इस तरह करते हैं कि इसको इसके अंदर BR लगाते हैं, सही है। BR का मतलब है कि ब्रेक, यहाँ से उसको ब्रेक करते हैं, सही है। इसी तरह अभी जाते हैं जो है सर्विसेज पर, सॉरी ये ऊपर वाला मैंने जो है टेक्स के लिए यूज़ किया, अभी सर्विस पर उसी तरह जो है वो भी इसी तरह है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको भी सेंटर करते हैं और कलर उसकी चेंज करते हैं, सेम टू सेम है सारे को मैंने सेंटर करना है ऑब्वियसली। तो फोन जो है वेट उसकी बॉर्डर की, और ये आप लोग दिख रही है कि ये सेंटर में आ जाएगी इसी तरह। तो ये दोनों तो जो है अपने पोजीशन पे आ गई। अभी बात करते हैं उस आइकन पर और कार्ड के अंदर जो टेक्स है, हेडर है उस पर। तो पहले तो मैं इस एक पे काम करूँगा, और सारे जो है उसका नाम जो है सर्विस 3 है, तो सारे अपने आप वो सेंटर आ जाएंगे। तो इसी का भी टेक्स मैंने सेंटर की, और फेडिंग इसका थोड़ा सा लेता हूँ बॉटम से। तो ये देखिए मैंने इसके जो है इसको सेंटर कर दी आप सारे को। अभी इस टेक्स पर मैं काम करूँगा, और सारा टेक्स जो है वो भी इस तरह सेंटर में आ जाएगी। तो फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ताकि आ जाए बड़ा। और मार्जिन ऑटो कर दो 10, जो है हर तरफ से ये 10 जो है मार्जिन लेगा। और पेडिंग बॉटम से थोड़ा सा इसको बढ़ा दी, तो ये और ये खूबसूरत बना रहा हूँ इसको। उसकी कलर जो है इस आइकन की, तो इस आइकन के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड के अंदर जो है इसका जो है आइकन को पहले सेंटर करता हूँ, सही है। ये तो हो गई इस ये आइकन सेंटर, लेकिन आप जो है आप यहाँ पर जो है इस आइकन को जो है थोड़ा सा पेडिंग देता हूँ, ताकि ये इससे थोड़ा सा फासले में आ जाए। और इसको बॉर्डर लेता हूँ, ताकि ये उसी तरह शो हो सके, ब्लू जो हमें दिख रही है उस वेबसाइट में। तो ये देखिए बूम, ये हो गई हमारा जो है 3 कार्ड्स। लेकिन इसमें काम है, इस पर काम करते हैं थोड़ा सा। लिफ्ट की तरफ इसकी मार्जिन लेते हैं, सही है। ये देख ये हो रही है, खूबसूरत बन रही है। लेकिन इस आइकन का कलर जो है वो चेंज है, ब्लू है, और इस पर HRO भी यूज़ हुई है, तो इसको भी हम जो है उसी तरह करते हैं। तो यहाँ पर इस आइकन के लिए मैंने एक आई टैग यूज़ की है। तो पहले तो कार्ड उसके अंदर आई है, तो उसका कलर चेंज की। तो अभी देखिए इसको, ये हो गई ना बात। और थोड़ा सा इसकी पेडिंग लेते हैं, ताकि फासला हो जाए। तो ये हो गई।
तो ये तो हो गई, कार्ड बन गई, सही है। लेकिन रेडियस थोड़ा सा, फिर थोड़ी रेडियस की बात भी करते हैं, लेकिन हमें सारा फोकस जो है इसके एच आवर पर देना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखें कि ब्लू हो रही है और मेरा जो साइड है, मैं जो बना रहा हूँ उसमें जो है ये ब्लू नहीं हो रही। तो सिंपल इसको, इस कार्ड को कॉपी कर दें और इसको एच आवर कर दें, सही है, और इसकी बॉर्डर जो है उसकी कलर चेंज कर दें, सिंपल इसी तरह जो मैंने कर दी। अभी ये देखिए, ये हो गई उसी तरह जो वेबसाइट में है। तो हमारा ये वेबसाइट जो है ये सेम दिख रही है। तो ये तो हो गई हमारा सर्विसेज का काम। तो इसी तरह हम इसके आगे फिर जाएंगे और मज़ीद इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।